मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये कोहराम और बेटियों में गुस्सा जायज है और सच क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच और क्या अफवाह, क्योंकि सच को बताया गया या फिर अफवाह को जोड़ा गया, अब ये कहानी पंजाब और मोहाली पुलिस की लोलची है। क्योंकि एमएमएस बनाने वाली लड़की का कबूलनामा पहले आप सुने, हम आपको एक नहीं दो वीडियो सुनाते हैं जिसकी सारी बातें आप सुने। इस वीडियो में कुछ लड़की उस लड़के से बात कर रही है जिस पर एमएमएस बनाने की पूरी आरोप है। लड़की उसमें कबूल भी कर रही है कि उसने एमएमएस बनाया, और दूसरी वीडियो जिसमें वार्डन के सामने लड़की ने एमएमएस बनाने की बात भी कबूली। इसका पूरी अपन नंगी कर रहे, उसकी बनाओ वीडियो, भेजो मेरे काम है, पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म पे। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कम सर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरह, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वार्डियस रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेने उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही वीडियो। शिमला क्या तू कहां से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तू इनकी सबकी इज्जत उछाड़ रही है? यहां पढ़ता है वो? हाँ, कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा कुर्स में कैसे देने दिया सिवलू वालों ने? तू बनाती क्यों है? तेरे से अब उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रखेंगे। इसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी जो मैं से बात करूँ। क्यों करूँ मैं प्लीज, क्यों सुनू तेरे? इतना गंदा काम कर रही है तू, क्या पता तू कब 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 से इनका कर रही है सबका, कब से बना रही है इनकी वीडियो सबकी? मेरे को सच बता, सब कुछ सच बोल दे यहाँ पे बैठ के, सब कुछ सच बोल दे। कौन है लड़का वो, क्या लगता है तेरा? कुछ नहीं लगता, तेरे को जानता है वो। और इन सब ने देखा है, शाजिया ने भी देखा है। तो आपने दरवाजा क्यों बंद किया था इधर का? दरवाजा भी बंद कर पुलिस भी वही, अब हम लोग को कंप्लेंट करना पड़ेगा। अगर सच बता दो तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, और ऐसा कुछ मत करना, हमें बता दो वीडियो बनाइए। इट्स ओके, इट्स ओके, आप पे भी प्रेशर होगा, इट्स ओके, वो नहीं कर बनाइए, बोल दो पुलिस से बात जाएगी, फालतू में आपका नाम बट आपने क्यों एक लड़की हो, आपको नहीं पता? किसी लड़के ने बोला आपको? बाहर से आया होगा बोला। किसने बोला था? मैंने पता नहीं है, देखो आप प्रेशर भी बता दो, कोई नहीं है, शांत हो जाओ। आपको प्रेशर किया था, प्रेशराइज किया था ऐसे करने के लिए? एक मिनट, यूनिवर्सिटी का लड़का यार, देखो आपको कुछ नहीं होगा, पता है? अगर आप बता दे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप भी किसी तरह मेडिकल में हो, आप ऐसे चुप रहोगे तो और इस तरह करेगा बाकी लड़की को कैसे इंटरेक्ट करेगा? चुप चुप चुप, ऐसे नहीं कर। आपको किस तरह के, क्या उसने बोला कि आपको ये ऐसा एक्शन किया? ये नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं उसने ये क्या किया, आप चर्च से बात करो। मैंने बार बार
आपको बात नहीं है, मैंने किया है। तो ये है कौन, ये है कौन, इसकी भी हिम्मत कैसे पड़ती बोलने की, और मुझे अरे हिम्मत की बात नहीं है, मैं शायद जैसे नहीं आपने इसको वीडियो भेजी है। लेकिन पुलिस का दावा कि 60 नहीं सिर्फ एक वीडियो बनाया गया। फ्रेंड्स देखें, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है, ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। उस लड़की का जिस पर आरोप MMS बनाने का है, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा और बवाल तेज है, क्योंकि अब प्रदर्शन गुस्से में बदल गया है और यूनिवर्सिटी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक माँ को डर है कि अपनी बेटी को यहाँ कैसे पढ़ाए, और बेटियों में गुस्सा इस बात का है कि आखिर एक लड़की ही ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर कितनी वीडियो बनी, सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे था कौन, और सवाल यह है क्या पुलिस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस लड़की ने वीडियो बनाने का दावा किया है, उस लड़की ने वीडियो पर लड़कियों के सामने कबूला है कि उसने वीडियो बनाए, लेकिन पुलिस का दावा सिर्फ एक वीडियो बनाने का है। मामला 17 सितंबर को सामने आया, जब हॉस्टल की लड़कियों ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने कई गर्ल्स स्टूडेंट्स का वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। हंगामा बढ़ा तो सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी छात्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर शिमला में रहने वाले बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला। अगले दिन 18 सितंबर को बवाल और बढ़ा, यूनिवर्सिटी में हजारों छात्राओं ने दिन भर धरना दिया। पुलिस ने बॉयफ्रेंड के तलाश में शिमला में अभियान चलाया और शाम को गिरफ्तारी हुई। मामले में पुलिस ने अब तक 3 को गिरफ्तार किया है, और एक सवाल है कि ये कैसे साबित होगा कि वीडियो 60 नहीं एक बनी। सवाल है कि घर पर बेटियां अब यूनिवर्सिटी छोड़ रही है, आखिर किस डर से उनके माता पिता वापस अपने बेटे को भेजेंगे, और सवाल यह है कि जो दावा है कि 8 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की, क्या उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, और डर इस बात का है कि आखिर कितने MMS बनाए गए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि साजिश के पीछे आखिर कौन शामिल है। 11 सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है BEd, BSTC, BA और BSc की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखर और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखर के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन। बारी फतेहपुर शेखावाटी, मोबाइल नंबर 9649173111।